Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing, and everything about online shopping. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हर एक फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टैक्स। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स ठीक से पे नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप कोई भी टैक्स की बात कर लें, अगर आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं तो वो जो अमाउंट है वो पूरी ब्लैक मनी हो जाती है, और ब्लैक मनी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले टैक्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अब इंडिया में करीबन 20 से 25 टाइप के अलग अलग टैक्सेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिस्ट अगर पूरा बोलूँगा यहाँ पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको सबको पता ही होगा क्या क्या होते हैं, मोस्टली एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, वैट, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की, इसमें 4 या 5 तरीके के टैक्सेस जो हैं वो मोस्टली बिजनेस करने के लिए काम में आते हैं, यूज़ होते हैं। एक तो वैल्यू एडेड टैक्स है जो आपको पता है, उसके लिए हम 3 नंबर लेते हैं, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा है सेंट्रल सेल टैक्स नंबर, जिसको हम CST कहते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एक्साइज टैक्स भी लगेगा। मैन्युफैक्चरर्स में भी एक कैटेगरी होती है, अगर अभी रिसेंटली मैंने स्टडी किया था उसके ऊपर, अगर आप लो लेवल के मैन्युफैक्चरर हैं और सिंगल हैं, मतलब आप के पास लेबर्स नहीं है और इंडस्ट्री भी नहीं है और कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर करते हैं, तो आपको एक्साइज ड्यूटी वहाँ पे नहीं लगेगी। अगर आपके पास इंडस्ट्री है और आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर करते हैं, आपके पास लेबर है, तो एक्साइज टैक्स जो है वो आपको वहाँ पे लगेगा। फिर ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है जो मुंबई में एप्लीकेबल है। पहले मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में था ऑक्ट्रॉय, अब ऑक्ट्रॉय हट गया है और सिर्फ मुंबई में ऑक्ट्रॉय है, और दूसरे स्टेट्स में अब वो लोग ने एंट्री टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। तो एंट्री टैक्स समझ लीजिए कि वो एक टाइप का ऑक्ट्रॉय ही है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में। हमको पता है कि प्रोडक्ट्स हम जब खरीदते हैं तब हमें उस पर टैक्स लगता है, और प्रोडक्ट्स जब हम बेचते हैं तब हमें उस पर भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। लेकिन क्या उसमें कैलकुलेशंस होते हैं वो मैं आपको आज समझा देने वाला हूँ। पहले हम थोड़ा और बेसिक समझ लें। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स है जो आपके इंटर स्टेट में लगता है, मतलब आप अगर अगर आप खुद के ही स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं इंटर स्टेट, तो वहाँ पे आपको CST लगेगा 2%। तो मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ। लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी 100 रुपये में, उस पर टैक्स है 5%। अब टैक्स इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूडिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब 100 रुपये प्लस 5% टैक्स, तो उसकी प्राइस हो गई 105। अब इस प्रोडक्ट को मैं 250 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, विच इज़ इंक्लूडिंग टैक्स। जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, जो प्राइस हम मेंशन करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, वो सारी इंक्लूडिंग टैक्स होती है। मोस्ट ऑफ द साइट्स में कहीं पर भी एडिशनल टैक्स मेंशन किया हुआ नहीं होता है। तो ये प्राइस जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स है और इस पे टैक्स है 5%। तो अब आप कैलकुलेशन करिए कि इस पे आप जो टैक्स है वो कितना कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, और आपकी नेट अमाउंट क्या होगी, विदाउट टैक्स वाली अमाउंट क्या होगी, वो आप एक बार कैलकुलेट करिए आपकी तरफ से। आप सबका जवाब मोस्टली यही आया होगा क्योंकि आपने सीधा कैलकुलेशन किया होगा 5% इंटू 250। बिल्कुल गलत है, ऐसे कैलकुलेशन इसका नहीं होगा। सही कैलकुलेशन है ये, यहाँ पे आपका जो भी टैक्स रेट है उसको आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, तब आपकी नेट लैंडिंग या फिर आप कह सकते हैं कि नेट सेलिंग प्राइस आएगी विदाउट टैक्स, और वो रहेगी ये अमाउंट। तो आपका जो टैक्स अमाउंट होता है वो होता है इतना, और आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है विदाउट टैक्स वो होती है इतनी। तो आप इसको और नीचे वाली अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 250। अब यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट टैक्स है 11.9, उसको आप सीधा माइनस करेंगे 5 से जो आपका इनपुट टैक्स है।
तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 6.9। तो 6.9 जो है वो आपका डिफरेंस है इनपुट टैक्स का और आउटपुट टैक्स का जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा थोड़ा कि जब भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उस पर जो आपको टैक्स लगता है वो टैक्स आप एक तरफ रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं और जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस पे आप जो भी टैक्स का परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय जो टैक्स का परसेंटेज है उसको, लेट्स से कि 5% है तो डिवाइडेड बाय 105, अगर वो 10% है तो डिवाइडेड बाय 110, अगर वो 15% है तो डिवाइडेड बाय 115। तो आपका वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा आपका नेट अमाउंट विदाउट टैक्स, और जो टैक्स की डिफरेंस है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि टैक्स का अमाउंट कितना है। जो टैक्स का अमाउंट आता है वो टैक्स की अमाउंट और आपकी इनपुट टैक्स जो है, जो आपको टैक्स मिला है, जो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने या फिर आपके डीलर ने आपको जो बिल दिया है उसमें जो टैक्स है उसका डिफरेंस जो निकलेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर वो आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं तो वो हो जाता है ब्लैक मनी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही नज़र रखती है बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस पे। छोटे ट्रांजैक्शंस में ये सारा लोकेट करना या फिर आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि छोटे ट्रांजैक्शंस मतलब छोटा फ़ायदा और बड़े ट्रांजैक्शंस मतलब बड़ा फ़ायदा। ठीक है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप छोटा करेंगे और बच जाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको अवॉइड ही करिए। जो भी पेएबल टैक्स होता है उसको पे करिए। कैसे पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका वैट कंप्यूटेशन करना पड़ता है और जो भी आपका वैट रिटर्न होता है वो एक फाइल में, एक्सेल फाइल में आप डाल के उसको सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी सिंपल प्रोसेस होती है, उसमें कोई झमेले वाली बात नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देता रहूँगा आपको और बहुत सिंपल कर दूँगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका पेमेंट सारा ऑनलाइन आता है आपके अकाउंट में। ठीक है, और आप अगर सोच रहे हैं कि आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा और चलेगा, तो ये गलत सोच होगी। क्योंकि जब अकाउंट में पैसे बहुत आने शुरू हो जाएंगे तब एक टाइम आएगा जब आपको पूरा हिसाब देना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए, और आप झूठ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये पैसे जहाँ से आते हैं वो उनका नाम लिखा हुआ रहता है कि पैसे कहाँ से आए, और इजीली ट्रैकेबल होता है। और जैसे ही पता चलेगा कि ये पैसे ईबे से आ रहे हैं या फिर अमेज़ॉन से आ रहे हैं, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शंस के पैसे आए और इसमें जो पैसे आए हैं उसका आपने टैक्स नहीं भरा है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में मैं आपको ईबे में ट्रांजैक्शन करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि, और थोड़ा करने के लिए कहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ कहता हूँ करने के लिए थोड़ा इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया है। थोड़ा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, बहुत ही कम, ज़्यादा मत करिएगा, और उसको भी हैंडल कर सकते हैं बाद में, क्योंकि आप उसको बाद में एडिश थोड़ा पेनल्टी भर के भी पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वैट सीएसटी नंबर हो, लेकिन नहीं है तो बाद में आप थोड़ा पेनल्टी भर के भी वो टैक्स जो भी आपने कलेक्ट किया है वो पे कर सकते हैं, जब आपके पास वैट और सीएसटी नंबर आ जाता है। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वैट नंबर फ्रॉम डे वन बहुत ज़रूरी है एज़ पर द लीगल लॉज। अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, खुद के ही इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, खुद के ही स्टेट में कर रहे हैं, तो फिर वैट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 लाख रुपए तक। ठीक है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप इंट्रा स्टेट करिए खुद के स्टेट में, ताकि आपको वैट नंबर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये सब आप अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन करेंगे सारा कुछ आप टैली में कर पाएंगे, और टैली जितना फास्ट और एफिशिएंट दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा। क्लाउड बेस्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको वो सॉफ्टवेयर में इंटरनेट चाहिए होता है ऑल द टाइम। ठीक है, और टैली में फ़ायदा ये है कि ये इंटरनेट के बिना फास्ट खुल जाता है और उसमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं आती है। थोड़े बग्स होते हैं यहाँ वहाँ, बट वो होता रहता है टैली में। अगर आपके पास पेड है वर्जन तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा, अगर पायरेटेड है तो कभी कभी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, पेड वर्जन में नहीं होता ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अब इम्पोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम टैक्स जो है, वो हर एक प्रोडक्ट और कैटेगरी में अलग अलग होता है। उस पर मैं ज़्यादा जानकारी ले रहा हूँ और हर एक कैटेगरी वाइज, तो उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा, और जैसे ही मिलेगा वो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आप चाइना से मंगवाने की अभी कोई हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि अगर आपके पास वैट नंबर, सीएसटी नंबर, आई कोड नहीं है
तो इसके बिना तो ये सोचना भी बेकार है कि आप चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे और यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि चाइना से अगर आपको प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं सस्ते रेट में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर देना होगा, तो आपको फ़ायदा होगा। 1,000 पीस, 5,000 पीस, अगर आप 10 पीस, 5 पीस मंगवाएंगे, तो वो सामने वाला बंदा 5 पीस या 10 पीस के लिए आपको उतना अच्छे रेट कभी नहीं देगा। तो फिर वो अभी मत सोचिए, पहले आप कोशिश करिए कि यहाँ पे आप सेटअप कैसे कर रहे हैं सब कुछ। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस आपको कैसे सेटअप करना है, क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अगले वीडियो में मैं करूँगा। मतलब इस हफ्ते पूरी कोशिश करूँगा, या फिर नेक्स्ट वीक डेफिनेटली उसका वीडियो मैं आपको बना के देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो और कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा, मोस्टली हो सके तो जो फेसबुक लाइव क्यू एन ए सेशन करता हूँ वहाँ पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी मैं रिप्लाई देता हूँ जैसे टाइम मिलता है वैसे, फेसबुक में भी रिप्लाई देता हूँ मैसेजेस के जैसे टाइम मिलता है वैसे, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, बट ऑफकोर्स मैं दे दूंगा रिप्लाई आप सबको, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।